हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डीवा कंचन। आई एम कंचन एंड आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड गाइज, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो भी इस दिवाली से ही रिलेटेड है, बिकॉज आज मैं जितने भी लुक्स आपके साथ में शेयर करूंगी वो सभी मैंने इस दिवाली के लिए क्रिएट किए हैं। मैंने जितनी भी शॉपिंग की है वो ऑनलाइन ही की है, और मैं मिंत्रा को थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ, बिकॉज उसकी जो रिटर्न पॉलिसीज वगैरह है या उनकी जो टाइम पीरियड है 30 डेज का, तो वो मुझे काफी इनफ लगता है, इसलिए मुझे मिंत्रा थोड़ा ज्यादा पसंद है। तो गाइज, आज जितनी भी ड्रेसेस हैं उनमें मैंने हर एक ड्रेस के साथ में दो दो लुक्स क्रिएट किए हैं। कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज गाइज अप्रिशिएट कीजिएगा मेरी इस वीडियो को भी। जो मेरा फर्स्ट कुर्ता है वो है ये मरून एंड गोल्डन प्रिंटेड कुर्ता। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको मैंड्रीन कॉलर मिल जाएगा, एंड इसकी जो स्लीव्स हैं 3/4 स्लीव्स हैं, इस तरीके का प्रिंट है। और ये देखिए, जो बस्ट एरिया है उस पर इस तरीके का प्रिंट मिलेगा, एंड जो इसका हेम है वो देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट आपको मिल जाएगा उस पर, बूटी वाला। एंड अगर हम इसके बैक की बात करें तो बैक में इसमें एक आई क्लोजर मिल जाएगा, और ये देखिए पीछे एक इसमें हुक है ताकि आप इसे इजी टू कैरी कर सकें। ये देखिए, उनको पता है कि सीजन चेंज हो रहा है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें ये कुर्ता मुझे काफी ठीक लगा। जो इसका नेक है, समर्स में इस तरीके के नेक थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है उनको कैरी करने में, बट गाइज विंटर्स में इस तरीके के नेक चलते हैं, और दिवाली का टाइम है, मरून शेड मुझे बहुत सही लगता है फेस्टिव टाइम के लिए। और ये एक ऐसा शेड है जो मैरिड एंड अनमैरिड दोनों ही टाइप की गर्ल्स के लिए बहुत सुइटेबल रहता है। तो गाइज ये वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ये मैक्सी ड्रेस है, बट मैंने इसे एज अ कुर्ता टीम अप किया है इस वीडियो में, एंड इसी मैक्सी ड्रेस को एज अ ड्रेस भी कैरी किया है। दोनों ही लुक्स मैं आप लोग के साथ में अभी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। जितनी भी इसके बारे में और जितनी भी डिटेल है वो सभी मैं आपको ऑन स्क्रीन शो करा दूंगी, एंड जो कुछ भी रह जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर इसके स्टफ की बात करें तो वो कॉटन में है, हैंड वॉश कर सकते हैं आप इजी, ड्राई क्लीनिंग की कोई नीड नहीं है, और बहुत लाइट वेट है। तो इस तरीके की जो ड्रेसेस होती हैं उसमें हम इजिली अपना फुल डे स्पेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से इसके साथ में जो मैंने दो लुक्स क्रिएट किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप एंजॉय कीजिए उन दोनों ही लुक्स को, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को कौन सा लुक सबसे ज्यादा। कुर्ता है वो है मस्टर्ड येलो, और इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी। स्टफ है वो पॉलिएस्टर है कुछ, और इसमें देखिए इस तरीके से आगे आपको बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएगी बस्ट एरिया पे। तो इस पे देखिए ये 4 बटन्स लगे हुए हैं, और ये सभी बटन ओपनेबल हैं। इसका शेड फेस्टिव के लिए बहुत अच्छा है येलो, और ये आगे से देखिए इसमें कुछ इस तरीके से प्लीट्स दी हुई हैं, प्लेटेड है ये देखिए, और ये एकदम प्लेन है। मुझे इस तरीके के जो सॉलिड कुर्ते होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको बहुत सारे डिफरेंट मैनी वेज में आप इसको कैरी कर सकते हैं। किसी भी सॉलिड कुर्ते को आप कितने डिफरेंट वेज में कैरी कर सकते हैं, किस तरीके से उनके साथ में क्या क्या चीजें टीम अप कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये भी काफी लाइट वेट है, और इसमें एक अलग सी शाइन आप देख रहे होंगे, देखिए थोड़ा क्लोज करके दिखा रही हूं मैं आपको। थिक है इसका जो मटेरियल है, बहुत हल्का वाला नहीं है, तो ये कुर्ता भी काफी अच्छा लगा मुझे। तो चलिए देखते हैं मेरे इसमें दो लुक।
इज गाइस टेल ब्लू, और ये देखिए कुछ इस तरीके का शेड है। इस पे आपको इस तरीके से फ्रंट में बस्ट एरिया पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी है। इस पे काफी नीट एंड क्लीन वाली एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ये देखिए। एंड इसकी जो वेस्ट लाइन होती है वहां पे भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। मुझे इसका एक्चुअली यही पैटर्न बहुत अच्छा लगा, और ये ए लाइन कुर्ता है, ये देखिए काफी अच्छा खासा इसमें भी फ्लेयर आपको मिल जाएगा। एंड इसको मैंने जिस तरीके से टीम अप किया है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इन तीनों ही कुर्तों में मेरा ये वाला बेस्ट है। जो मटेरियल है वो कुछ पॉलिएस्टर है और काफी लाइट वेट है ये भी। एंड इसमें इसकी भी अगर हम कपड़े की बात करें तो ये बहुत थिन नहीं है, बहुत अच्छा है। इसका फॉल बहुत अच्छा है, इसको पहनने के बाद जो इसका हेम है ना, घेरा है जो, वो बहुत अच्छा आता है। आपको कौन सा वाला कुर्ता सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा वाला लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज यार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और मेरी इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।